ओम शांति। आज प्यारे बाप दादा के साकार मधुर महावाक्य हैं 23 मई 2023। आज मुरली के सार में बाबा ने सेकंड में जीवन मुक्ति पाने के लिए पुरुषार्थ बताया कि एक बाबा की याद इतनी रहे जो अंतकाल में और कुछ याद न आए। गृहस्थ व्यवहार को भी भूलते जाओ, यह बड़ी ऊंची मंजिल है विश्व का मालिक बनने की। और कहा सदैव श्रीमत पर चलते रहो, कभी किसी को कांटा नहीं लगाना है। अगर अपने में कोई भी कमी हो तो अविनाशी सर्जन को सच सच बताना है। फिर दूसरी बात बाबा ने स्मृति में दिलाई कि मनुष्य विलायत से आते हैं तो बड़ी वंडरफुल सौगात लाते हैं। बाबा कहते हैं, मैं तो तुम्हारे लिए वैकुंठ की सौगात लाया हूँ। हे मेरे लाडले बच्चे, परदेसी बाप आकर आत्माओं से बात करते हैं। फिर कहा नटशेल में तो है ही दो बातें, बाप और वर्षे को याद करना, याद के चार्ट पर ही मदार हैं। बाबा कहे घर में रहो, युक्ति से चलो, बाप और वर्षे को याद करो, चार्ट रखो कि हम कितना समय बाबा को याद करते हैं। फिर बाबा ने बंधेली आत्माओं को याद किया कि कोई बांधेली बच्चियां ऐसी हैं जो घर में रहते भी कई महारथियों से अच्छा योग में रहती है, शिव बाबा को बहुत याद करती है। कहती है शिव बाबा हमें दुख से छुड़ाओ, सदा यह स्मृति बनी रहे, मेरा तो एक शिव बाबा दूसरा ना कोई, इसी निश्चय से बेड़ा पार हो जाएगा। फिर कहा मनुष्य कहते हैं भगवान कालों का काल है जो सभी को मार डालते हैं, तो बाबा कहते हैं मैं मारता नहीं हूँ, मैं तो तुम्हें शरीर से मुक्त कर आत्मा को गुलगुल बनाकर वापस ले जाता हूँ, इसमें डरने की कोई बात नहीं। बाबा कहते मैं तो आता हूँ आत्माओं को तैयार कराई स्वर्ग में ले चलने के लिए। सुनते हैं बाबा के महावाक्य विस्तार से। आज बाबा कहे मीठे बच्चे, मात पिता को पूरा पूरा फॉलो कर सपूत बनो, याद और श्रीमत के आधार पर ही बाप के तख्त नशीन बनेंगे। आज मुरली से प्रश्न है, किस पुरुषार्थ से सेकंड में जीवन मुक्ति प्राप्त हो सकती है? उत्तर में बाबा ने कहा, पुरुषार्थ करो अंतकाल में एक बाप के सिवाय दूसरा कोई भी याद न आए। इसके लिए बुद्धि को गृहस्थ व्यवहार में रहते भी न्यारा रखो, सब कुछ भूलते जाओ, श्रीमत पर चलते रहो, किसी को भी कांटा नहीं लगाओ, हर कदम में मात पिता को फॉलो करो, कोई भी कमी है तो अविनाशी सर्जन को सच सच बताओ। आज मुरली में गीत बजा नई उम्र की कलिया हम। ओम शांति। बच्चों को यह गीत का अर्थ समझाते हैं, यह जो महिमा करते हैं इस देश में जन्मी सीता, यो तो वास्तव में मेल और फीमेल सब सीताएं हैं, क्योंकि सब भक्तियां हैं, भक्ति करने वाले भगवान को याद करते हैं, यह सजनियां साजन को याद करती हैं। किस लिए? बाबा कहते हैं आत्मा सजनिया शिव बाबा साजन को क्यों याद करती है? फूल बनने के लिए। कहते भी है ना, कमल फूल समान रहना है। अब तुम जानते हो हम आत्माओं का बाप परमात्मा है, उनसे स्वर्ग का वर्षा मिलना होता है, जिसको जीवन मुक्ति कहा जाता है। जीवन मुक्ति का वर्षा जरूर मिलेगा सतयुग के लिए, कलयुग के लिए नहीं। नई दुनिया शुरू होती है, गोया नाटक नया शुरू हो जाता है। पुरानी दुनिया है तो नाटक भी पुराना हो जाता है। अब यह है पुरानी दुनिया, नई दुनिया में लक्ष्मी नारायण जैसे फूल थे, पवित्र थे, सतो प्रधान थे। अभी तुम जानते हो हम कांटे से फूल बन रहे हैं स्वर्ग का मालिक बनने के लिए। बाबा कहे कांटा वे हैं जो एक दो के ऊपर काम कटारी चलाते हैं। तुमको निश्चय है हम आत्माओं का बाप आया हुआ है फिर से सदा सुखी स्वर्ग का मालिक बनाने। इस निश्चय में गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। बाप ने आकर इनको दादा ब्रह्मा बाबा को भी समझाया है। यह कहते हैं बरोबर हम नहीं जानते थे, हम पहले सतयुग में धर्मात्मा थे। धर्मात्मा उनको कहा जाता है जो काम कटारी नहीं चलाते। धर्माओं सिर्फ उनको नहीं कहते जो दान पुण्य करते हैं। मनुष्य जो कुछ करते उनका फल दूसरे जन्म में मिलता है, वह इनडायरेक्ट दान करना है। ईश्वर अर्थ दान करते हैं, जैसे कोई कृष्ण अर्थ भी करते हैं, परंतु श्री कृष्ण को गीता का भगवान समझने कारण मुंजारा कर दिया है।
भगवान कहते हैं, मैं भारत में ही आया हूँ, तुम बच्चे जानते हो, हमारा बाप परमधाम से आए हैं, हमको कहते हैं, बच्चे अब नाटक पूरा होता है, मुझे याद करो, तुम ही सो लक्ष्मी नारायण थे, त्रेता में है राम सीता, श्री कृष्ण का युग तो कोई अलग नहीं है, उन्होंने द्वापर में डाल दिया है, यह फिर भी होगा, बाप बैठ बच्चों को शास्त्रों का सार समझाते हैं। बाबा कहे, मैंने कोई गीता आदि हाथ में नहीं उठाई है, मुझे तो ज्ञान का सागर कहते हैं, मुझे भगत ऐसे भी कहते हैं, सत है, चैतन्य है। मनुष्य जो बहुत वेद शास्त्र आदि पढ़ते हैं, उनको शास्त्रों की अथॉरिटी कहा जाता है। अब यह वेद शास्त्र आदि कहाँ से शुरू हुए? भक्ति मार्ग से। यह ड्रामा अनादि बना हुआ है। ऐसे नहीं वेद शास्त्र अनादि कहेंगे, अगर अनादि कहे तो सतयुग से लेकर कहाँ जाए, सतयुग में तो वेद शास्त्र होते नहीं, यह तो भक्ति मार्ग से शुरू होता है। अब बाप की बुद्धि में है कि मैं ज्ञान का सागर हूँ, इस मनुष्य सृष्टि को मैं ही जानता हूँ। बाप आकर अपना परिचय देते हैं, यह सृष्टि चक्र कैसे फिरता है, 84 जन्म कैसे भोगते हैं, तुम जानते हो, हम 84 जन्म सतो रजो तमो में पाठ बजाते हैं। अभी बाप ने आकर ब्रह्मा द्वारा यह यज्ञ रचा है, शिव बाबा द्वारा हम ब्रह्मा के बच्चे बने हैं, तो वह शिव बाबा दादा हो गया। वहाँ सतयुग में तो है ही बाप का वर्षा, आधा कल्प से तुम चाहते थे मुक्ति, जीवन मुक्ति का वर्षा, यह नहीं जानते थे कि बाप भक्तों के पास आएंगे, क्या करेंगे। कहते हैं भगवान घर बैठे आ जाए, सो तो बड़े घर में आएंगे ना, तुम्हारे लिए तो अपना घर छोटा है, यह है बेहद का घर, न जाने कब भगवान भक्तों के पास आ जाए। भगवान तो जरूर भक्तों के लिए आएंगे, भगत भगवान के बच्चे ठहरे, ऐसे नहीं भगवान सब भक्तों में है, सब भगवान है, नहीं, बाप डायरेक्ट बैठ समझाते हैं कि मैं आऊंगा जरूर, आकर बच्चों को सुख दूंगा। मनुष्य विलायत से आते हैं तो बड़ी वंडरफुल सौगात लाते हैं, बाप कहते हैं मैं तुम्हारे लिए वैकुंठ सौगात लाया हूँ, वहाँ वैकुंठ में विष नहीं मिलेगा, इस ज्ञान अमृत पीने से तुम स्वर्ग में जा सकते हो, तो जरूर जहर विकारों को छोड़ना पड़ेगा। बाबा कहे मैं कोई सन्यासियों उदासियों मिसल पुस्तक नहीं उठाता हूँ, मैं तो शांति धाम सुख धाम का मालिक बनाने के लिए रास्ता बताता हूँ। हे मेरे लाडले बच्चे, परदेसी बाप आत्माओं से बात करते हैं, और कोई ऐसे नहीं कहेंगे कि मैं परमात्मा हूँ, तुम आत्माओं से बात करता हूँ। वह तो कहते हैं अहम परमात्मा तत्त्वम, तुम भी परमात्मा हो। बाप बाप को वर्षा देंगे क्या? बाप जरूर बच्चों को वर्षा देंगे, तुम्हारी कितनी विशाल बुद्धि बनी है। बाप आकर बुद्धि का ताला खोलते हैं, बुद्धि में मूल वतन सूक्ष्म वतन याद है, यह है स्थूल वतन, तुम अब बन गए हो त्रिकालदर्शी, तीनों लोको तीनों कालों को जानते हो, यह है डिटेल की बातें, नक्शेल में तो है ही दो बातें, बाप और वर्षे को याद करना है, याद के चार्ट पर ही मदार है, घर में रहो युक्ति से चलो, बाप और वर्षे को याद करो, चार्ट रखो, हम कितना समय योग में रहे, बाप को याद करने से वर्षा जरूर मिलता है। बाप तो बहुत सहज कर बतलाते हैं, बाबा कहे परंतु कोई याद करे भी ना, माया एकदम भुला देती है, कोई कोई बांधेलिया बच्चियां ऐसी अच्छी हैं जो घर में रहते भी कई महारथियों से अच्छा योग में रहती हैं, शिव बाबा को बहुत याद करती हैं, शिव बाबा हमें दुखों से छुड़ाओ, जानते हैं हमें शिव बाबा से स्वर्ग की राजाई मिलती है, घर में याद करते करते अगर प्राण त्याग दे तो बहुत अच्छा पद मिल सकता है, मेरा तो एक शिव बाबा दूसरा ना कोई, इसी निश्चय से बेड़ा पार हो जाए, ऐसा सत्संग तो कभी नहीं देखा होगा जहाँ स्त्रियाँ मार खाती, सत्संग में जाने से कोई मना करते हैं क्या, ढेर सत्संग है, यहाँ तो अबलाओं पर कितने अत्याचार होते हैं, विघ्न पड़ते हैं, शुरू से लेकर चलता आया है, अकासुर बकासुर कैसे ले जाते थे बच्चियों को, विष के लिए मारे कितनी खाती थी,
कोई तो बात होगी ना, अच्छे अच्छे बच्चे भल सेंटर भी खोलते हैं फिर भी चलते चलते माया का वार हो जाता है। बाप तो धर्मराज भी है, कहते हैं मैं कालों का काल हूँ। अमृतसर में एक अकाल तख्त है, इसका अर्थ कोई समझते नहीं है। बाप कहते हैं मैं कालों का काल भी हूँ, वह जमघट काल तो एक दो को ले जाता है। बाप कहते हैं मैं तो सब आत्माओं को ले जाऊंगा, इसलिए खुश होना चाहिए। आधा कल्प से भक्ति की है परंतु वापस कोई भी जा नहीं सकते। बाबा कहे अभी आप सभी को ले जाते हो। मनुष्य कहते हैं भगवान कालों का काल है जो सभी को मार डालते हैं। बाबा कहे परंतु मैं मारता नहीं हूँ, मैं तो तुम्हें शरीर से मुक्त कर आत्मा को गुलगुल बनाई वापस ले जाता हूँ, इसमें डरने की तो बात ही नहीं है। बहुत बच्चे मरने से डरते हैं, डरते वह हैं जिनका पूरा योग नहीं है। अरे बाबा कहे अरे हम तो तैयारी कर रहे हैं वापस जाने की। बाबा आए हैं तैयारी कराई ले चलने के लिए, तो तुम स्वर्गवासी नहीं बनेंगे। कहते हैं फलाना स्वर्गवासी हुआ परंतु जानते कोई भी नहीं है। स्वर्गवासी तो भारत में होते हैं, वह था सतयुग, कलयुग में स्वर्ग कहाँ से आया। अखबार में डालते हैं फलाना वैकुंठ गया, उनको श्राद्ध खिलाते हैं। अब वैकुंठ में तो अथा वैभव है, फिर तुम उनको क्या खिलाएंगे। उनकी तो सदगति हो गई तो फिर यहाँ का भोजन खिलाई पतित क्यों बनाते हो। अभी तुम बच्चे जानते हो, सच सच तुमको निर्वाण धाम जाने लिए बाबा शिक्षा देते हैं। खुशी से जाना चाहिए, पुराने कांटों से संबंध तोड़ना चाहिए। बाप कितना सहज कर बतलाते हैं, सिर्फ मुझ बाप को याद करो, इसमें तो बहुत खुशी होनी चाहिए। बाप कहते हैं अतींद्रिय सुख पूछना हो तो मेरे बच्चों से पूछो। अभी के पुरुषार्थ से 21 जन्मों की प्रलब्ध बनाते हो, अब नहीं लिया तो खलास, रेस बड़ी भारी है। सबको पुरुषार्थ करना चाहिए। बाप कहते हैं बच्चे हमारे ऊपर जीत प्राप्त करो, अर्थात गद्दी नशीन बनो। बाबा मम्मा बाप दादा पिताश्री कहते हो ना, यह ब्रह्मा बाबा भी उनसे पढ़ रहा है ना। शिव बाबा पढ़ाते हैं, यह गृहस्थ धंधे आदि वाला था ना, ऐसे ख्याल नहीं आना चाहिए, ऐसे ख्याल नहीं आना चाहिए। मैं पीछे आया हूँ इसलिए दौड़ी नहीं लगा सकता हूँ। माँ बाप कहते हैं सपूत बच्चा वह जो फॉलो करे, यह माँ बाप मम्मा बाबा भी पुरुषार्थी हैं। पुरुषार्थ कराने वाला है मात पिता, तुम मात पिता हम बालक तेरे, तुमरे कृपा ते सुख घने रे। तो यह ब्रह्मा बाबा भी उनका बालक हुआ ना, यह भी गृहस्थी था, तुम भी गृहस्थी हो, है बड़ा सहज। बाबा कहते इसमें भी कन्याओं का तो अहो सौभाग्य है, उनको जट बचा लेते हैं, पांच विकारों की सीढ़ी नहीं चढ़ना है। बाल ब्रह्मचारी भीष्म पितामह का एग्जाम्पल है ना, यह राजयोग है। तुम जानते हो हम भविष्य राजाएं पाने लिए पुरुषार्थ कर रहे हैं, मम्मा बाबा भी पुरुषार्थ कर ऊंचते ऊंच पद पाते हैं। कल्प पहले भी उन्होंने पद पाया था। कहते हैं लाडले बच्चे तुम हमारे तख्त का मालिक बनने लिए पुरुषार्थ करो। मम्मा बाबा कहते हो तो क्यों नहीं पुरुषार्थ करते हो, कोई तकलीफ हो तो बाबा को बताओ, इस कारण पुरुषार्थ कम चलता है। बाबा है अविनाशी सर्जन, बाकी कोई भी तकलीफ हो तो चाहे लिखो चाहे सन्मुख आकर पूछो, बाप राय देंगे। मुख्य बात है बाप और वर्षे को याद करना। नटशेल में यह काफी है, सेकंड में जीवन मुक्ति पाने का पुरुषार्थ करते करते इतना याद करना है जो अंत में और कुछ याद न आए। गृहस्थ व्यवहार को भूलते जाओ, कहते हैं मंजिल तो बड़ी है और विश्व का मालिक बनना है। लड़ाई में कितनी मेहनत कर हद की बादशाही लेते हैं, तुम तो स्वर्ग में विश्व के मालिक बनते हो, और क्या चाहिए। इतना मीठा बाप दुनिया में और कोई होता नहीं, परंतु इस बाप के नाम रूप देश काल को भूल गए हैं। बरोबर शिव बाबा हम आत्माओं का बाप स्वर्ग का रचता है, तो स्वर्ग का ही वर्षा देते होंगे ना, यह भूल गए हैं। किसी को सेकंड में भी तीर लग सकता है, बरोबर बेहद का बाप है, वर्षा देने आए हैं, क्रिएटर हैं। किसका?
बाबा कहते हैं, क्रिएटर किसका है, क्या नर्क का, ऐसे तो कभी नहीं कहेंगे। बाप तो स्वर्ग का मालिक बनाने वाला है, बस हम तो जट जाकर उनका हाथ पकड़ते हैं। बूढ़े साधारण तन में आए हैं, बाप कहते हैं सब बच्चे बेसमझ पुजारी पतित बन पड़े हैं। मैं आकर पुजारी से पूज्य बनाता हूँ। यह ब्रह्मा बाबा भी पुजारी था, नारायण की पूजा करता था। चित्र में दिखाया है लक्ष्मी उनके पांव दबाती है। बाप कोई ऐसे थोड़े ही कहते हैं कि चरण धोकर पियो। बाप कहते हैं पहले लक्ष्मी पीछे नारायण, तो जो लक्ष्मी बनती है उनको मैं पांव दबाता हूँ। बाबा ने कितनी ऊंची पालना की बात बताई कि वास्तव में लक्ष्मी पांव नहीं दबाती है, लेकिन जो लक्ष्मी बनने वाली आत्माएं हैं बाबा उनके आकर पांव दबाते हैं। बूढ़ी माताओं को कहते हैं तुमने आधा कल्प कितने धक्के खाए हैं, पहले अव्यभिचारी भक्ति थी, अब व्यभिचारी भक्ति बन पड़ी है, थक गए हैं। बाप को संकल्प उठा, मैं जाकर नई सृष्टि रचूं। बाप तो जाने जाननहार हैं, कहते हैं इन बिचारों ने आधा कल्प भक्ति की है, अब बिल्कुल थक पड़े हैं, मौत भी बड़ा कड़ा है, एक दो को खत्म कर देंगे। बाप है नॉलेजफुल, परंतु कहते हैं मैं भी बंधन में बांधा हुआ हूँ, जानता हूँ बच्चे बहुत दुखी हैं, इन पर पांच विकार आकर चटके हैं, उनको आत्माओं को अब खातरी देते हैं, अर्थात आत्माओं की आकर दिव्य अलौकिक पालना करते हैं। तुम्हारे सुख के दिन आ रहे हैं, अभी तुम श्रीमत पर चलो तो श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ बनेंगे। बाप है ऊंच ते ऊंच, बाकी सब है रचना। ब्रह्मा विष्णु शंकर को परमात्मा नहीं कहेंगे, सुप्रीम सोल एक ही बाप हैं। ब्रह्मा विष्णु शंकर वह हुए सूक्ष्म वतनवासी। चित्रों में ब्रह्मा विष्णु शंकर के आगे शिवलिंग रखते हैं, क्योंकि बच्चे हैं ना, यह भी वह नहीं जानते। अभी तुम बच्चों को दिव्य दृष्टि मिली है। बाबा कहे तुमको तो बहुत हर्षित रहना चाहिए, हम सारे सृष्टि के आदि मध्य अंत को जानते हैं। बाप से स्वर्ग का वर्षा ले रहे हैं, सिर्फ बाप को याद करते हैं, गृहस्थ व्यवहार में रहते हैं, इसमें कोई छोड़ने की बात नहीं। पहले तो गौशाला बनानी थी, नहीं तो यह कैसे होशियार बन सके। पांडवों को देश निकाला था तो यह गौशाला बनी ना। अब तुम समझते हो हम कांटों से फूल बन रहे हैं, क्यों ना हम बाबा मम्मा के तखत पर बैठे उनके वर्षे के अधिकारी बने। बाबा भी कहते हैं फॉलो कर नंबर वार तखत पर बैठो, अपने दिल से पूछना है। हम बाबा को याद करते हैं, रात को हमेशा पोता मेल देखो, सारे दिन में अथवा सवेरे उठकर कितना समय बाप को याद किया। बाप को याद कर श्रीमत पर चलना है, एक दो को कांटा नहीं लगाना है। काम क्रोध है मुख्य, इनको जीतो तो दूसरे छोटे छोटे विकार ठंडे हो जाएंगे। काम महाशत्रु है, काम के कारण लड़ाई झगड़े मारा मारी कितने करते हैं। कहते हैं बाबा बच्चे बहुत अशांत करते हैं, स्वर्ग में तो कभी कोई किसी को तंग नहीं करते, वहाँ बच्चे भी तंग नहीं करेंगे, इसलिए अब बाप और स्वर्ग के सुख को याद करो। बस अब हम चले सुखधाम। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी मात पिता बाप दादा को भी याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। सारी मुरली से धारणा के लिए सार हैं। पहला, मात पिता के तखत को जीतने की दौड़ लगानी है, पूरा फॉलो करना है। दूसरा, पुराने कांटों से संबंध तोड़, मेरा तो एक शिव बाबा दूसरा ना कोई, इस निश्चय में पक्का रहना है। आज बाबा ने वरदान दिया, हर गुण व शक्ति को अपना स्वरूप बनाने वाले बाप समान संपन्न भव। हर गुण व शक्ति को अपना स्वरूप बनाने वाले बाप समान संपन्न भव। स्पष्टीकरण है, जो बच्चे बाप समान संपन्न बनने वाले हैं वह सदा याद स्वरूप सर्वगुण और सर्वशक्तियों स्वरूप रहते हैं। स्वरूप का अर्थ ही है अपना रूप ही वह बन जाए, गुण व शक्ति अलग नहीं हो लेकिन रूप में समाये हुए हो।
जैसे कमजोर संस्कार या कोई अवगुण बहुत काल से स्वरूप बन गए हैं, उसको धारण करने की मेहनत नहीं करते। ऐसे हर गुण हर शक्ति निजी स्वरूप बन जाए, याद करने की भी मेहनत नहीं करनी पड़े, लेकिन याद में समाए रहे, तब कहेंगे बाप समान। आज का स्लोगन है, बाबा शब्द ही सर्व खजानों की चाबी हैं, इसे सदा संभाल कर रखो। बाबा शब्द ही सर्व खजानों की चाबी हैं, इसे संभाल कर रखो। अच्छा, ओम शांति। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया।